दिवाली बस कुछ ही दिनों में आने वाली है। जी हाँ, दियो का पर्व जहाँ हर ओर रोशनी ही रोशनी दिखाई देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं या फिर क्या आपके यहाँ ये प्रचलित है कि आपको भी दिवाली के ठीक एक या दो दिन पहले यानी कि धनतेरस के दिन यम का दिया जलाना है। ये कहानी सही है और इससे आपके जीवन और मृत्यु के तार कैसे जुड़े हुए हैं, आइए जानते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देश के अधिकांश भागों में यम के नाम पर दीप दान की परंपरा है। दीपावली के दो दिन पूर्व धन्वंतरी त्रयोदशी के सायंकाल मिट्टी का कोरा दीपक लेते हैं, उसमें तिल का तेल डालकर नवीन रुई की बत्ती रखते हैं और फिर उसे प्रकाशित कर दक्षिण की तरफ मुंह करके मृत्यु के देवता यम को समर्पित कर देते हैं। तत्पश्चात इसे दरवाजे के बगल में अनाज की ढेरी पर रख देते हैं। प्रयास ये रहता है कि ये रात भर जलता रहे। बुझे नहीं, क्यों प्रकाशित करते हैं ये दीपक, क्या है इसका रहस्य, चलिए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। कहते हैं बहुत पहले हंसराज नामक एक प्रतापी राजा हुआ करता था। एक बार वो अपने मित्रों, सैनिकों और अंगरक्षकों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। संयोग से राजा सबसे बिछुड़कर अकेला रह गया और भटकते हुए एक अन्य राजा हेमराज के राज्य में पहुंच गया। हेमराज ने थके हारे हंसराज का भव्य स्वागत किया। उसी रात हेमराज के यहाँ पुत्र जन्म हुआ। इस खुशी के अवसर पर हेमराज ने राजकीय उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आग्रह के साथ हंसराज को कुछ दिनों के लिए अपने यहाँ रोक लिया। बच्चे के छठवीं के दिन एक विचित्र घटना घट गई। पूजा के समय देवी प्रकट हुई और बोली, आज इस शिशु की जो इतनी खुशियां मनाई जा रही है, यह अपने विवाह के चौथे दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ये सुनते ही राज्य में शोक छा गया। हेमराज और उनके परिजनों पर तो मानो वज्रपात ही गिर गया हो, सब की सब स्तब्ध रह गए। इस शोक के समय हंसराज ने राजा हेमराज और उनके परिवार को ढाढ़स दिया और कहा, मित्र आप तनिक भी विचलित ना हो, इस बालक की रक्षा मैं करूंगा। हंसराज ने यमुना के किनारे एक भूमिगत किला बनवाया और उसी के अंदर राजकुमार के पालन पोषण की व्यवस्था करवाई। इसके अतिरिक्त राजकुमार की प्राण रक्षा के लिए हंसराज ने सुयोग्य ब्राह्मणों से अनेक तांत्रिक अनुष्ठान, यंत्र मंत्र जाप आदि की व्यवस्था भी करवाई। धीरे धीरे राजकुमार युवा हुआ। उसकी सुंदरता एवं तेजस्विता की चर्चा सर्वत्र फैल गयी। राजा हंसराज के कहने पर हेमराज ने राजकुमार का विवाह भी किया। जिस राजकुमारी से युवराज का विवाह हुआ था वो तो साक्षात लक्ष्मी लगती थी। विधि का विधान दिखने लगा। विवाह के ठीक चौथे दिन यम के दूत राजकुमार के प्राण हरण करने पहुँचे। राज परिवार और प्रजानन खुशियाँ मनाने में लगे हुए थे। राजकुमार और राजकुमारी की छवि देखकर यमदूत भी विचलित उठे, किंतु राजकुमार के प्राण हरण का अप्रिय कार्य उन्हें करना ही पड़ा। इस घटना के कुछ समय पश्चात एक दिन यमराज ने प्रसन्न मुद्रा में अपने दूतों से पूछा, दूतों तुम सब अनंत काल से पृथ्वी के जीवों का प्राण हरण करते आ रहे हो, क्या तुम्हें कभी किसी जीव पर दया आई है और मन में ये विचार उठा कि इसे छोड़ देना चाहिए। यम के दूत एक दूसरे का मुँह देखने लगे। यमराज ने उनके संकोच को भाप कर उन्हें उत्साहित किया और कहा, झिझको मत, अगर ऐसा प्रसंग आया है तो निर्भय होकर बताओ। इस पर एक दूत ने सिर झुकाकर निवेदन किया और उन्हें हेमराज के पुत्र के प्राण हरण की घटना सुना दी। इस दुखद प्रसंग से यमराज भी विचलित उठे। इसे लक्ष्य करके दूत बोला, नाथ क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे इस प्रकार के अकाल मृत्यु से प्राणियों को छुटकारा मिल जाए। इस पर यमराज ने कहा, जीवन और मृत्यु सृष्टि का अटल नियम है, इसे बदला नहीं जा सकता, किंतु धनतेरस को पूरे दिन का व्रत और यमुना में स्नान कर धन्वंतरी और यम का पूजन दर्शन कर अकाल मृत्यु से बचाव किया जा सकता है। यदि ये संभव नहीं है तो भी संध्या के समय घर के प्रवेश द्वार पर यम के नाम का एक दीपक प्रज्वलित कर लें। इससे असामयिक मृत्यु और रोग से मुक्त जीवन प्राप्त किया जा सकता है। इसके पश्चात से ही धनतेरस के दिन धन्वंतरी के पूजन और प्रवेश द्वार पर यम दीपक प्रज्वलित करने की परंपरा है। तो इस दिवाली के पहले यानी कि धनतेरस के दिन आप यम का दीपक जलाना बिल्कुल ना भूलें।